अब के रह गया है हमारा मथुरा, अब के मथुरा की मस्जिद ढाएंगे और मोदी सरकार लाएंगे। हरि है हमारा विष्णु भगवान का अवतार श्री कृष्ण है, तो क्या होना चाहिए नाम, आस पास क्या नाम होना चाहिए, हरिगढ़ होना चाहिए, तो इस पर मुद्दा होना चाहिए। तो वहाँ मोमडन एरिया में चले जाओ तो वहाँ झेलना पड़ता है, वहाँ हमारे हिंदुओं को लाइन से भी जो हमारा नंबर लगा हुआ है उसमें भी नहीं हमारा नंबर आ पाता। पहले हम तो सुनने के लिए आए थे मोदी जी के विकास, इतना सारा विकास करा राम मंदिर, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, जो नॉन मजा भूखा रह लेंगे नमक मिर्च रोटी खा लेंगे, लेकिन जिताएंगे हम मोदी जी को। लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो अलीगढ़ के अंदर अभी मौजूद थे, जिसने उनको उद्घाटन किया है, युवाओं की परेशानी आखिर क्या है, रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, रोजगार के मुद्दे जो हमेशा विपक्ष उठाता है कि सरकार में रोजगार नहीं मिला युवा को, आज युवा बेरोजगार है, युवा को जो नौकरियाँ नहीं है, युवा के पास आज के बाद काम धंधा नहीं है। लोगों से पूछेंगे, योगी आदित्यनाथ अभी अलीगढ़ के अंदर मौजूद थे, क्या उम्मीद लेके आए थे योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए? हम तो सुनने के लिए आए थे मोदी जी के विकास, इतना सारा विकास करा राम मंदिर, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, जो नॉन मजा भूखा रह लेंगे नमक मिर्च रोटी खा लेंगे, लेकिन जिताएंगे हम मोदी जी को। कुछ भी हो नॉन मजा और बताओ और पूछना, मैं जो राम की बात करेगा उसको लाएंगे हम उसी को, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तो ले आए अयोध्या में, राम मंदिर दे दिया है, बात कर रहे हैं कि वृंदावन मथुरा में भी मंदिर देंगे, खुश हो जाएंगे इस बात से? बिल्कुल खुश होंगे, बिल्कुल खुश हैं हम, सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। रोजगार अगर नहीं मिला तो भी खुश रहेंगे? हमारे चौराहे पे इतने बदमाश गुंडा बैठते थे शाम को, हम 7 बजे आ रहे हैं, दुनिया आदमी छोड़ो लेडीज लुट जाती, सब लुटते थे वहाँ। आज योगी जी का जो खौफ बना हुआ है ना, वो नजर ही नहीं आते, गुंडे है कहाँ कुछ, आज शाम को 7 बजे चौराहा खाली रहता है, उसके पता नहीं चलता चौराहे पे है कहाँ बदमाश का, यही नहीं पता चला आज तक। गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई चौराहे पे, बिल्कुल बदमाश सब भाग गए यहाँ से, एक भी नहीं है। आप यहाँ कासिमपुर के लोग आते थे नोकल के लिए, वहाँ पे इतने झुंडों में इतनी लूटपाट होती थी, लेकिन आज बिल्कुल सीधे घर जाते हैं, सीधे अपने काम पे जाते हैं, बिल्कुल कोई सब सुरक्षित है, डर खत्म हुआ है, बिल्कुल डर खत्म हो गया। रोजगार मिला नहीं, रोजगार हमें खूब मिल गया, रोखू पे सबको, आजकल उत्तर प्रदेश में अभी 7 लाख रोजगार, 7 लाख युवा को रोजगार मिला है, अभी सबको मिला, साथ ज्यादा सबको रहे सबको भैया सबको धीरे धीरे सबको मिलता जाएगा। अभी 70 साल में जो कुछ लोग 5 साल में अभी योगी जी को दिए, 10 साल और दो आपको सबको रोजगार मिलेगा। आपको मिला नहीं मिला रोजगार? हमें तो मिला हुआ। क्या करते हैं, क्या करते हैं? मैं केमिस्ट्री शॉप है मेरी, केमिस्ट्री शॉप जी आपकी जी, सही चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। यानी कि आप रोजगार मांगते कम है, रोजगार देने की बात ज्यादा करते? बिल्कुल रोजगार देंगे और हम खुद दे रहे हैं और दिलाएंगे लोगों को लिए। 2022 का चुनाव नजदीक, योगी आदित्यनाथ अभी आपके कासिमपुर में आके गए हैं, बड़े जोश में आप बाहर अंदर आए थे मेरे पास, वैसी बात भी करेंगे, किसको वोट करेंगे इसमें? योगी को करेंगे, योगी जी को। काम से खुश हैं? गुंडागर्दी खत्म हुई नहीं हुई जी? बिल्कुल। अब तो नहीं बैठ रहे जो रोड पे बैठते थे? नहीं 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 बिल्कुल। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, एक चाहू तो अभी हमारे साथ में है, कुछ अभी कह रहे हैं बड़े जोश के साथ में। पहली सरकार जो है वो जैसी चली वैसी चली, वो बढ़िया चली, अब की सरकार देखो, जय श्री राम। अयोध्या पहले नंबर पे बन गया मंदिर, अब के रह गया है हमारा मथुरा, अब के मथुरा की मस्जिद ढाएंगे और मोदी सरकार लाएंगे, जय श्री राम। यही हमारा नारा है, योगी को बुलाना है, फिर मोदी जी के बाद योगी जी को बैठाना है, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। 2022 का चुनाव नजदीक है, नाम क्या है वैसे आपका? मेरा करमवीर सिंह चौहान नाम है। कौन सी जगह से? खेड़ा बुजुर्ग। खेड़ा बुजुर्ग जी जी। विधायक कौन है आपका? हमारे यहाँ विधायक ठाकुर दलबीर सिंह है इस टाइम। खुश हैं? खूब अच्छी तरह से खुश हैं। काम से खुश हैं? खूब काम से। फोन कर दो, आज रात तैयार। दादा कहाँ हो, आ जाओ, गुंडागर्दी बदमाशी सब छूट। तो 2022 के मुद्दे क्या रहेंगे, मंदिर मस्जिद या फिर रोजगार बेरोजगारी? जब गुंडागर्दी हट गई, रोजगार बढ़ रहे हैं, हर चीज समाप्त हो रही है, तो सबरे काम सही होंगे, रोजगार भी मिल रही है, और जो इनके साथ साथ मस्जिद मंदिर के भी सबरे काम चल रहे हैं, यहाँ जिसकी जगह है उसको मिलना चाहिए, वहाँ कोई मस्जिद थोड़ी थी। किसने बताई ये वाली बात? ये आप ही बताते हो, आपके समाचार सुनते हैं, टीवी सुनते हैं, चैनल सुनते हैं, योगी जी सुनते हैं, सब सुनाते हैं, जब आप सुनाओगे तो हम सुनेंगे,
जब यहाँ योगी जी आए तो हम भी आए हैं, ऐसे बात है। अच्छा अभी हाँ सुन लेते हैं, एक भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूछिए, आप पूछिए। अभी कुछ कह रहे थे आप मंदिर मस्जिद के बारे में। हाँ हाँ, हम तो इसलिए कह रहे थे जो अभी ऊपर से ये खोपटे उठाए गए हैं मस्जिदों के, वो नीचे मंदिर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? आप तो पत्रकार हो, हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, बताओ। इसका मतलब ये है ना, वो ऑलरेडी पहले से मंदिर थे जी, थे या नहीं? जब ऊपर से हटाया जा रहा है और अंदर मंदिर निकल रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई भी नॉन मुस्लिम हो कि नीचे मंदिर रखे ऊपर मस्जिद का टापा रखे उसमें नमाज पढ़ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं, है नहीं, समझ रहे हो ना? और ऊपर से जब हटाया जा रहा है, अभी अभी काशी में क्या हुआ है, यही तो हुआ है, जब निकलवा के देखा तो नीचे मंदिर निकल रहा है। काशी में इतने मंदिर निकले हैं मस्जिद के नीचे से, ये तो मुझे अंदाजा नहीं है, ये पेपर मैंने न्यूज पेपर में पढ़ी थी, खबर मैंने न्यूज पेपर में पढ़ी थी आपने, और मैंने वीडियो भी देखी है इसकी, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो इस चीज पर, यह भी निकल आएगा आपके लिए। अच्छा एक बात बताएं, आप तो युवा भी हैं और नौजवान हैं, कितनी खबर जो मिलती है, जो सोर्स क्या रहता है आपके पास, कहां से आती हैं ये खबरें सब? ये आजकल तो सोशल मीडिया चल रहा है, तो बच्चे के पास खबर है, मैं तो खैर बड़ा हूं, मैं तो सब जानता हूं, बच्चे के पास खबर है, जिसके हाथ में मोबाइल है उसके पास खबर है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, छोटे बच्चे के पास मोबाइल है, जो चीज वो देख रहा है तो उसके पास खबर नहीं होगी, आप मत बताओ, न्यूज आती रहती है पर डे आती है। आज आप यहाँ से मुझसे पूछ रहे हो, ये कोई देखेगा वो बता देगा आपको, है नहीं है? अच्छा एक सवाल और आपसे करेंगे, युवा 2022 में क्या चाहता है? राम मंदिर मिल गया आपको, मंदिर मस्जिद पे जो राजनीति करेगा उसको चाहता है, या फिर जो मुद्दों की बात करेगा, युवाओं की, रोजगार की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, उस पर चुनाव चाहता है? देखो मंदिर और मस्जिद ये चीज तो अलग है, जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन जो रोजगार की बात है, तो आपने अभी अभी देखा फ्री टैबलेट लोड ये दिए गए हैं, टैबलेट दिए गए हैं, स्मार्टफोन दिए गए हैं, जो भी है इससे भी लड़कियों जो लड़कियां दोनों चीजें वो आगे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमें क्या चाहिए? रोजगार, हम तो जो आता काम कर रहे हैं, क्या रोजगार चाहिए? जवान लड़का जिस मेहनत से पढ़ेगा उसकी नौकरी लगेगी, बात खत्म, इसमें क्या चाहिए? जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, और जो नहीं पढ़ेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। वोट किस पे करोगे इस बार? बीजेपी। अरे वोट मतलब मुद्दों पे करोगे, किस चीज के मुद्दों पे करोगे? रोजगार पे। रोजगार पे, मंदिर मस्जिद पे नहीं करोगे? मंदिर पे भी करेंगे, वो सरकार का मुद्दा है, मंदिर मस्जिद तो सरकार का मुद्दा, लेकिन सरकार को लगता है, देखिए हमें तो कोई नहीं पता क्या था क्या नहीं था, जब हम इतिहास पढ़ते हैं अपना औरंगजेब पुराने जमाने का, तो क्या कहते हैं, मुगलों ने इतने शासन किया अपना 600 साल, उससे पहले क्या था? ये सब हिंदुओं के मंदिर थे, उसके बाद में ये मस्जिद बनाई गई है जब शासन हुआ। योगी जी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं लौट के, नो टेंशन, इसमें क्या दिक्कत है? जो मंदिर थे वो मंदिर ही कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं। हाँ नाम भी तो बदल रहे हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, जो नाम पहले वो कर चुके हैं, जैसे एक अलीपुर था उसका नाम, अब कैसा आर्यपुर कर दिया, बताइए। अलीगढ़ का भी नाम हरिगढ़ रहा है, और हरिगढ़ रहना भी चाहिए, क्योंकि हम हरी प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, हमारा मथुरा है और हाथरस है, ये अलीगढ़ है, ये सब हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। तो हमें जब इतने मंदिर मथुरा में, कम से कम 5200 मंदिर हैं, 5200 मंदिर सब मथुरा में है, तो क्या होना चाहिए? भगवान किस क्या है? हरि है, हमारा विष्णु भगवान का अवतार श्री कृष्ण है, तो क्या होना चाहिए नाम? आसपास क्या नाम होना चाहिए? हरिगढ़ होना चाहिए, तो इस पे मुद्दा होना चाहिए। अच्छा बात करें, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया, परेशानी खत्म? सब परेशानी खत्म तो, अरे आधा परेशानी तो खत्म नहीं होती है, पर परेशानी तो जब तक जिएंगे जब तक रहेगी, पर मुद्दा जॉब का आता है, तो पढ़े लिखे के लिए योगी जी सरकार ने बहुत बहुत जॉब दी है, अभी अभी भी पुलिस प्रशासन में भी जगह निकली है, और वन विभाग वगैरह इन सभी में जगह निकली हुई है। मैं एक सवाल, मेरा सिंपल सा सवाल है, आप सभी युवा साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे बड़ी बात, नाम बदलने से चीज़ें बदलती हैं या सिर्फ वैसी की वैसी रहती हैं? नहीं नाम परेशानियाँ, जैसे कि जो मुद्दे होता है, जो मुद्दों की बात हम करते हैं, सिर्फ नाम अलीगढ़ को, अभी थोड़ा चुप जाओ, अलीगढ़ को हमने सिर्फ हरिगढ़ कर दिया, क्या इससे सारी चीजें खत्म हो गई? देखिए मुद्दे हैं वो मुद्दे पूरे हो गए? मुद्दे पूरे नहीं होते, कहते हैं ना बच्चे का नाम घर से ही पड़ता है, जब घर से नाम अच्छा पड़ेगा, दादा पड़ेगा, तो सब उसे दादा कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, जब दादा नाम ही नहीं पड़ेगा, बाहर जाके उसे गधा कहेंगे तो गधा ही कहा जाएगा। अच्छा अलीगढ़ को अगर अलीगढ़ रहने देते हम, और मुद्दों की बात करते, नौकरियां दे देते, रोजगार देते लोगों को, वो ज्यादा सही रहता, या फिर अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया हमने, उसमें ज्यादा खुशी है? हरिगढ़ करने पर खुशी होगी, क्यों नहीं होगी, हिंदू, हर हिंदू को खुशी होती है, अपना धर्म से संबंधित, हम हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू गुण गाएंगे ना? नहीं हिंदू गुण गाएंगे वो बात ठीक है, आपकी हिंदू गुण गाएं, आपका हक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा है, सिंपल सा सवाल, कोई ज्यादा लाग लपेट नहीं, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया, रोजगार की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, महंगाई की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, रोड की जो समस्या थी वो खत्म हो गई या नहीं हुई? हाँ हो गई, बहुत सी समस्याएं अलीगढ़ को हरिगढ़ करने से हो गई।
हरिगढ़ क्यों जब हरिगढ़ होगा, योगी सरकार है हरिगढ़ होगा तो जिस क्षेत्र में देखिए काशी बदला, प्रयागराज बदला, क्या चमत्कार है वहाँ पे, बहुत अच्छा चमत्कार है। मेरा मुद्दा ठीक है, जब समय अभी अभी हम इलाहाबाद प्रयागराज चलेंगे, अभी आप लोग अलीगढ़ के हैं, हम सीधा अभी यहाँ का भी नाम बदलने की बात चल रही है, अलीगढ़ का नाम बदला जा रहा है। अलीगढ़ को हरिगढ़ करने से मेरा सिंपल सा सवाल, मेरा सवाल समझे आपने, सवाल क्या है मेरा सिंपल सा सवाल है, अलीगढ़ को हरिगढ़ किया, पहले मुद्दे थे हमारे रोजगार के, मुद्दा था जॉब का, मुद्दा था रोड का, मुद्दा था महंगाई का, वो मुद्दे खत्म हुए हैं या सिर्फ अलीगढ़ को हरिगढ़ करने से ही सिर्फ हिंदू खुश हो गया? नहीं नहीं, हिंदू खुश तो पहले भी था, अब भी है, योगी सरकार में जब से आई है जब से खुश है हिंदू, खुश है हिंदू, हिंदू को कोई परेशानी नहीं हुई, लाइट भी मिली है, 18 घंटे पूरी लाइट मिल रही है, इन्वर्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इतना, इन्वर्टर पे हमारी बैटरी अभी चलती थी 2 साल, अब चल रही है 4 साल। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंटर एजुकेशन हूँ, इंटर कर रखा है, बीकॉम है, बीकॉम भी कर रखा है, कंप्लीट, बहुत बढ़िया, ग्रेजुएट है बंदा मेरे साथ में मौजूद है, जॉब है नहीं है? जॉब है, किसमें करते हैं? एज ए टीचर हूँ। एज ए टीचर हैं? यस। अच्छा, एज ए टीचर, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि एज ए टीचर आप इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा किस बात की देते हैं, अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की या मुद्दों की बात करने की, क्या सिखाते हैं? मुद्दों की बात करने की, क्या बात करते हैं बच्चों से? अरे बच्चों से पढ़ा लिखा होकर के जॉब पाई है, जो टैलेंटेड बच्चा है वो पहुंच रहा है आज। नहीं, आप तो पहुंच गए, आप तो टीचर बन गए हैं, हम आपसे बात करें, आप टीचर हैं, मैं इसलिए आपसे ज्यादा बात कर रहा हूँ कि आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो समझाओगे, जो उनको पढ़ाओगे वही वो समझेगा, जब वो बड़ा होता है उसके दिमाग छोटे दिमाग में डाल देते हैं, वही बच्चा आगे तक पढ़ के सीखता है वो। आप क्या सिखाते हैं बच्चों? पहले नाम बताएं, अपना नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी, अच्छा मुझे ये बताएं बच्चों को किस तरह की शिक्षा देते हैं आप? आज डिजिटल में है, डिजिटल इंडिया होने जा रहा है, डिजिटल की पढ़ाई चल रही है, लैपटॉप कंप्यूटर टैबलेट बांटे जा रहे हैं, इस पर बच्चा पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है। और जिन गरीब बच्चों के पास मोबाइल लैपटॉप नहीं है वो कैसे पढ़ता है? वो बच्चा पढ़ता है सरकारी संस्थाओं में, हमारे सरकार ने फ्री शिक्षा कर रखी है, लड़कियों को फ्री कर रखी है, शिक्षा फ्री है वो तो ठीक है। मैं अभी आपने कहा कि डिजिटल की बात आपने की, डिजिटल कर दिया है, जिन बच्चों के पास अगर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये गाँव देहात है जहाँ पे हम मौजूद हैं, गाँव देहात में सबके पास माँ बाप के नहीं वो दे पा रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप बच्चों को, उनके लिए आप क्या करते हैं? आप एज अ टीचर, जब आपने कहा अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया, बड़े खुश हैं आप, हिंदुओं की बात कर ली बड़े खुश हैं आप, मंदिर मस्जिद की बात कर ली बड़े खुश हैं आप, इसके लिए क्या करते हैं कि भाई जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनके लिए क्या करते हैं? क्लास चल रही है अभी? क्लास चल रही है, हाँ, जिनके पास मैं ट्यूशन देता हूँ, और अच्छे बच्चा जो बच्चा निकलता है उसको प्रोत्साहन करते हैं हम। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठता है तो उठने दो ना, आप क्यों इतना तकलीफ में आ रहे हो? आप तो टीचर हैं, आपको सबको पढ़ाना है फिर? हाँ, पढ़ाना तो है, बट अभी बात आती है धर्म की, तो धर्म पे भी तो हम रहते हैं, धर्म में भी तो हमारा, धर्म की बात कौन करता है, आप करते हैं या फिर नेता लोग करते हैं? नेता लोग करते हैं। तो आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं, हम अरे उनकी राजनीति इसी चीज पे है भाई, सारे हिंदू तो ही हैं, कांग्रेस पार्टी हिंदू की, समाजवादी पार्टी हिंदू की, बसपा पार्टी हिंदू की, आम आदमी पार्टी हिंदू की, समाजवादी और बीजेपी हिंदू की, क्या है मुस्लिमों का? मुसलमानों को कुछ नहीं, मुसलमान हैं क्यों नहीं है, जब सपा बसपा मुसलमानों को लेके आती है तो बहुत राज देखा मैंने। अब मैं आपको बता दूं अपनी, क्योंकि मैंने जब हम वहाँ जाते हैं मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत झेलना पड़ता है। अब मैं आप मुद्दे पर बात आती है तो वहाँ मोमडन एरिया में चले जाओ तो वहाँ झेलना पड़ता है, वहाँ हमारे हिंदुओं को लाइन से भी जो हमारा नंबर लगा हुआ है उसमें भी नहीं हमारा नंबर आ पाता पहले, अगर आप बात करते हैं तो इसी तरह। मतलब जो नंबर आपका लगा है नाम देख के काट देते हैं? नाम देख के पीछे कर देते हैं, जो मैंने देखा और अपनी आंखों से मतलब मैंने झेला है इसको, जो मेरा नंबर आना चाहिए 10 बजे वो आ रहा है मेरा 12 बजे या 2 बजे। अच्छा, यस। यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको भी, जो हिंदू लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो भी मतलब बहुत पीछे रह जाते हैं। आप कौन से मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं? चाचा थोड़ा साइड हो जाए, हमारा कैमरा पीछे है, कौन से मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं? मैं मेडिकल कॉलेज यही अपना JNU। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी, वो है कॉलेज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। यस। उसका नाम पता है क्या है आपको? पूरा नाम पता है मेडिकल कॉलेज? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। किसके नाम पर है वो? जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। हिंदू है? हिंदू है तो दे दिया, तो मोमडन है ना पूरी, वहाँ जो डॉक्टर है जो वहाँ इलाज करते हैं वो भी सब मोमडन है, मुस्लिम हिंदू नहीं है? थोड़े बहुत है, वो तो सब जगह मिलेगा, थोड़े बहुत तो हिंदू मुस्लिम सब जगह है, मोमडन ज्यादा है। मोमडन ज्यादा है तो मोमडन का ज्यादा ख्याल करते होंगे? हाँ, यस। अब आप किसी भी हिंदू वादी उससे पूछ लीजिए, सब वही करते हैं। अगर मैं आपके हिंदू किसी जो जहाँ एक हॉस्पिटल हो वहाँ अगर हिंदू हो डॉक्टर, तो डॉक्टर कहता है कि मेरा फर्ज बनता है कि इंसान की जान बचाना,
वो ये नहीं कहता कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है। वो कहता है मेरे लिए सबसे पहले जो ओथ लेते हैं वो लोग, वो कसम जो के लेते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहला मेरा मज़हब है, मेरा जो ड्यूटी है वो है किसी की जान बचाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सबको हटाना। ये डॉक्टर नहीं करते, जो उनके पीए वगैरह होते हैं, चपरासी प्यून वगैरह होते हैं, वो करते हैं, उन वो भी तो मोमडन होते हैं, वही तो करते हैं। जब वो जब उनके मन में ये भाव बैठा हुआ तो हम अंदर तक डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो हम किससे बात करेंगे अपनी, हम अपने मरीज को ले नहीं जा पाते अंदर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कैसे हमें देखेगा। सरकार क्या भाई, जो लोग जो बैठे आप छाया ओपीडी में जब जाएंगे तो आप दिखाएंगे, वो रोकेगा कौन, फिर रोकेगा कोई नहीं, बट नंबर जो आता है मैंने देखा है, खुद मोमडन करते हैं ये, जो उनके जो गेट पे पीओ होते हैं जो पर्चा लगाते हैं। मास्टर साहब थोड़ा सा हिचक रहे हैं और नहीं, मैंने बात कहने नहीं चाह रहे हैं पूरा, या तो मास्टर साहब ने खुद लाइव एग्जांपल नहीं देखा है, रिश्तेदारों में होता है जान पहचान। अभी एक चाचा भी हमारे साथ हैं भाई, थोड़ा सा आ जाओ, चाचा से भी पूछेंगे। चाचा आप थोड़ा बराबर में आ जाएं, ऐसे तो मुस्लिम, हां थोड़ा थोड़ा आप मेरे थोड़ा बराबर में आ जाएं। हां जो रिश्तेदार वगैरह जान पहचान के होते हैं उनको ही आगे कर लेते हैं बस, बाकी चाहे वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मुसलमानों के भी दो दो घंटे में आते हैं पर्चे, सुबह से बैठे हुए सीरक में आ जाओ। चाचा जी नाम क्या है आपका? नहीं देखा है, खूब देखा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर, ये जो बात अभी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली बात कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ये सही होता है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखिए बात ये है कि रिश्तेदार है तो दो चार पर्चों के चार छः पर्चों के बीच में अपना डाल देते हैं वो लोग, उनके लिए दो चार लोग ऐसे आ जाते हैं बस, तो वो तो सब जगह चलते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के मिलने वाले हैं, वो सीधा कहते हैं बुला लो इनको अंदर भेज दो। मतलब अगर थोड़ी सी जानकारी है, जुगाड़ है जिसको हम कहते हैं, जुगाड़ हिंदी में, अगर जुगाड़ है तो थोड़ा जल्दी बुला लेंगे, वैसे कोई भेदभाव नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हिंदू का पर्चा है तो हिंदू का पर्चा अलग हटा दो, बाद में बुलाएंगे दो घंटे बाद। ये दीनदयाल में भी होता है, अगर आप मौके पर नहीं है तो आपको उठा के अलग रख देंगे पर्चा। दीनदयाल की बात अभी चाचा ने की, मास्टर साहब से जरूर पूछेंगे। मास्टर साहब कभी दीनदयाल में गए नहीं गए जो हॉस्पिटल है? हाँ गए हैं। वहाँ तो नहीं होता हिंदू मुस्लिम? वहाँ नहीं होता, वहाँ हिंदुओं को पहले देख लेते हैं। नहीं हिंदू पहला देख नहीं, नंबर के हिसाब से देखते हैं पहले, क्या हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, वहाँ पर्चा देखते हैं। वहाँ ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम का पर्चा होगा उसको दो घंटे बाद बुलाएंगे? नहीं, आपने कहा कि हिंदू का पर्चा मेडिकल में बाद में बुलाते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है। नहीं कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है? आपने कैसा कह दिया ये वाली बात कैसा नहीं है? क्योंकि एक दो बार हम भी वहाँ दवाई लेने या किसी मेरे पेशेंट को देखने गए हैं वहाँ, हम इसलिए कह सकते हैं। किसी मुस्लिम से वहाँ पूछा है कभी हॉस्पिटल जाकर के दीनदयाल में कि भाई आप तो मुस्लिम हैं आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? जैसे अभी दिक्कत आपने हमें बताई, क्या उनको दिक्कत तो नहीं होती ऐसी वहाँ पर? हमने नहीं, हमने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं किया मोमडन से, क्योंकि आते जाते वहाँ भी मोमडन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। मास्टर साहब अगर, मास्टर साहब से हम एक अपील करेंगे कि मास्टर साहब अगर अगली बार आप दीनदयाल में अगर जाएं हैं वहाँ पर, तो दीनदयाल में किसी मुस्लिम जो पर्चा लेके बैठा हो ना उसको जरूर पकड़ना, उससे ये वाली बात पूछना कि उसकी समस्या क्या, आपकी जैसी समस्या तो नहीं है, जो प्रॉब्लम आपको मेडिकल के अंदर होती है जिसको आपने कहा कि वो वहाँ मुस्लिमों को पहले देखते हैं और हिंदुओं को बाद में देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर इस तरह की हरकत कोई भी करता होगा मेडिकल में। ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, डॉक्टर नहीं करता, डॉक्टर तक तो पहुँचने ही नहीं देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेडिकल का स्टाफ भी कोई इस तरह की हरकत करता होगा, इस तरह की अगर मेडिकल का स्टाफ हरकत करता होगा तो हम आपको गारंटी देते हैं इस बार जरूर एक बार आएंगे, छापा मारेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी पूरे देश के पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे उस मेडिकल कॉलेज को जो बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, उसके मुद्दे को जरूर रखेंगे। लेकिन आपसे एक अपील फिर करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कब तक करेंगे? ये तो अब है, जब तक चलता रहेगा करेंगे, मगर ये समाप्त तो करने की कोशिश ये सरकार करती है, क्योंकि योगी सरकार ने, सरकार तो अपना काम करती है साहब, सरकार तो राजनीति करती है, सरकार का मुद्दे होते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, रोजगार की बात कोई करता नहीं, परेशानी क्या है युवा की उसकी बात कोई करता नहीं। मास्टर साहब को प्राइवेट पढ़ाते हैं सरकारी पढ़ाते हैं? प्राइवेट पढ़ाता हूँ। सरकारी नहीं बनना चाहते हैं? सरकारी बनना चाहते हैं, शिक्षा मतलब अपनी पढ़ाई चालू है। पढ़ाई चालू है? यस। सरकारी बनना चाहते हैं? यस। लगता है कि सरकारी बन पाएंगे? क्योंकि यूपी टेट का पेपर होता है कैंसिल हो जाता है, यूपी पुलिस की भर्ती निकलती है कैंसिल हो जाती है, भर्ती बाद में निकलती है पहले कैंसिल हो जाती है। हाँ कैंसिल हुआ था, पेपर लीक हुआ था, पर उसको दोबारा कराने को योगी सरकार ने 23 तारीख को नोटिफिकेशन कर दिया है, 23 तारीख को फिर परीक्षा होगी और सी टेट का पेपर चल ही रहा है। तो ये तो देखिए विपक्ष है, कुछ भी कर सकता है विपक्ष, तो ये करता ही है कि सरकार की खामियों को निकालता ही है। अच्छा एक सवाल, एक लास्ट सवाल कुछ इस भाई से ले लेते हैं, कभी मेडिकल कॉलेज गए हो नहीं गए हो मास्टर साहब जैसे बता रहे हैं? यस गए। होता है बाकी वहाँ ऐसा पर्चा इधर उधर कर दिया हिंदुओं का पर्चा है तो? क्या नाम है वैसे आपका? वीरेश कुमार। वीरेश कुमार, हाँ वीरेश कुमार से जरूर पूछेंगे। वीरेश कुमार अलीगढ़ से ही हो? यस, सालगढ़ी से। अलीगढ़ जिले से ना? यस। मेडिकल कॉलेज से जाते हो? यस।
कभी पर्चा ऐसा हुआ है कि हिंदू का पर्चा देख करके वहाँ के जो स्टाफ है या जो डॉक्टर हैं उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सोच कर करो कि भाई ये हिंदू है इसको बाद में देखें, ऐसा हुआ है कि कभी? मेरे साथ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं है। मेरे साथ, मेरा नाम रविंद्र कुमार है, उकन्ना बेरामपुर से। मैं भी मेडिकल में इलाज कराया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ वहाँ पर, नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, सब बराबर है, सब बराबर है। मास्टर साहब पता नहीं कौन सी जगह चले गए थे, कौन से मेडिकल कॉलेज के अंदर चले गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम वाली बात हो गई है। मैं एक अपील करूंगा सभी लोगों से, इन नेताओं की बातों में अगर आ गए ना तो ये देश नहीं बच पाएगा। ये देश है, ये देश सबको साथ लेकर चलता है। हिंदू मुस्लिम करके ना देश चला है ना कोई आगे बढ़ा है। ये देश जब चलेगा, जब आप मुद्दों की बात करोगे, आप रोजगार की बात करोगे, आप अपने हक की बात करोगे, आप महंगाई की बात करोगे, हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ बातें कहो मत। जैसा मास्टर साहब ने कहा कि मेरा पर्चा दबा दिया जाता है या किसी का पर्चा दबा दिया जाता है, हमने आपके सामने दो लोगों से और बात की, दोनों का नाम भी अलग अलग हैं जो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, एक मुस्लिम समाज से भी ताल्लुक रखने वाले साहब थे, उनसे हमने बात की है। अगर इस तरह की बात अगर होती हैं तो एक बार जाके पहले चेक कर लो, उसके बाद बात करो, क्योंकि सिर्फ सोच लेने से या बात कर लेने से कुछ होता नहीं है। मुद्दों की बात करो, अपने मुद्दों की लड़ो, अपने मुद्दों की बात नहीं करोगे तो सरकार तो आपको ऐसी भड़ाती रहेगी, लड़ाती रहेगी, झगड़ाती रहेगी। संदीप, कैमरामैन संदीप कुशवाहा के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।